तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अब फटाफट रिवीजन को खत्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे अब आधे घंटे का, 35 मिनट का जो भी लेक्चर बनता है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो डिस्चार्ज का मतलब होता है कम्स टू एन एंड। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाना। एक कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का मतलब क्या है, कई रीजन है। जैसे मान लो ए ने बी को बोला कि भाई मेरे को एक कोक की बोतल चाहिए, एक कोक की बोतल चाहिए, ए ने बी को बोला, बी ने ए को बोतल दे दी और ए ने बी को बदले में पेमेंट दे दी। इसका काम पैसे देना था, उसका काम बोतल देना था, दोनों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पूरी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की क्या हो गई, परफॉर्मेंस पूरी हो गई, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी। एक का काम था पैसे देना, एक का काम था पेमेंट देना, एक का काम था पैसे देना, एक का काम था बॉटल देना, दोनों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, इसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, परफॉर्मेंस पूरी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। तो ले देखिए, एक चीज समझ आ गई कि डिस्चार्ज के अंदर जरूरी नहीं है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। देखो यहाँ पे दोनों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, परफॉर्मेंस पूरी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये भी डिस्चार्ज है। केस टू, ए ने बी को बोला था कि भाई मेरे को 500 शर्ट्स चाहिए, बी ने कहा था कि ठीक है मैं सप्लाई कर दूंगा, लेकिन बाद में उसने सप्लाई नहीं करी, बाद में उसने सप्लाई नहीं करी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और कह रहा है मैं नहीं कर रहा, जो करना कर ले, मेरे पे टाइम नहीं है, बी बोलता है। पहले उसने ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद बी ने सप्लाई करने को मना कर दिया। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो दिस इज ऑल्सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। केस थ्री, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। ए ने बी को बोला था कि भाई मेरे को ना 5 kg प्लास्टिक बैग्स चाहिए। क्या चाहिए, प्लास्टिक बैग्स चाहिए। बी ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा। आफ्टर बी, ए ने पूछा कब देगा, बी ने बोला कि मैं विद इन 3 months में दे दूंगा, विद इन 3 months में दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि सप्लाई करने से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आ गई कि आज से प्लास्टिक बैग्स बैन है, आज से प्लास्टिक बैग्स बैन है। इसका मतलब ये जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था ये अनलॉफुल डिक्लेयर हो गया। क्या हो गया, अनलॉफुल, क्योंकि प्लास्टिक बैग सरकार ने बैन कर दिया, तो बी क्या सप्लाई करेगा और ए क्या खरीदेगा, क्योंकि वो अनलॉफुल हो गई। इसका मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बिकॉज ऑफ ये इलीगैलिटी, बिकॉज ऑफ इलीगैलिटी की एग्रीमेंट क्या हो गया, इलीगल। तो ये भी डिस्चार्ज है, ये भी क्या है, डिस्चार्ज। या मान लो कि ए और बी का आपस में एग्रीमेंट हुआ था कि ए ने बी को बोला था मैं तेरे से शादी करूंगा, लेकिन शादी नहीं हो पाई क्योंकि मीन वाइल क्या हुआ, बी हो गया अनसन माइंड, जिसको हमने पढ़ा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, याद होगा। तो जब बी अनसन माइंड हो गया तो ऑटोमेटिक है कि अब ए बी से शादी तो करेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पूरा हो सकता। तो ये भी क्या है, ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई, ये क्या हो गई, इम्पॉसिबिलिटी। तो अब भी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, अब भी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। और एक केस बताऊं तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का, अगर मैं तुम्हारे को और एक केस बताऊं तो और एक एग्जांपल में ले लो, अगर मैं तुम्हारे को कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का एग्जांपल और लेके बात करूं तो मान लो ए ने बी को बोला था कि भाई मैं तेरे को टीवी सेल करना चाहता हूं, टीवी सेल करना चाहता हूं, खरीदना है तो बता दे। बी ने कहा मेरे को सोचने का टाइम चाहिए। चल ए ने कहा कि भाई 10 दिन ले ले, 10 दिन में बता दियो अगर तू खरीदना चाहता है या नहीं, तू नहीं खरीदेगा तो मैं किसी और को बेच दूंगा। इसका मतलब ए बी के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल रहा है यहाँ पे, ए ने बस उसको एक ऑफर दिया है कि तू 10 दिन में खरीद लेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा, ये कोई बर्डन नहीं है। बर्डन कब होता है, जब ए बी को बोलता कि तू नहीं खरीद रहा तो मैं मान लूंगा तू बेचने के लिए तैयार है। मतलब सपोज अगर तूने 10 दिन में जवाब, अगर ए बी को ये ऐसे बोलता कि अगर तूने 10 दिन में मेरे को जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा तू खरीदने के लिए तैयार है, तो ये बर्डन होता। लेकिन यहाँ ए बी को ऐसा क्या, ऐसे तो कुछ बोल नहीं रहा, यहाँ पे ए बी को क्या बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को टीवी बेचना चाहता हूँ, तू नहीं खरीदेगा तो मैं किसी और को बेच दूंगा। तो दिस इज नॉट कोई काइंड ऑफ, कहते हैं ना कि इम्पोजिशन ऑफ बर्डन नहीं है, वो तो ये कह रहा है तू खरीदना तू खरीद ले तो मैं किसी और को बेच दूंगा। अब मान लो बी ने 10 दिन में जवाब नहीं दिया, इसका मतलब टाइम खत्म हो गया, इसे हम बोलते हैं लैप्स ऑफ टाइम। जब टाइम ही खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है, डिस्चार्ज। तो ये बड़े सारे हमने डिस्चार्ज के केसेस पढ़े। तो देखो, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अगर वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। अब वेज टू डिस्चार्ज क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अभी तुम्हें मैंने एग्जांपल देके समझाया था परफॉर्मेंस क्या होता है ना,
परफॉर्मेंस, जैसे दोनों पार्टी ने ड्यूटी पूरी कर दी। नेक्स्ट आता है बाय एग्रीमेंट और कंसेंट। ये एग्रीमेंट और कंसेंट क्या मींस, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ हुआ था, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली कि आज से तेरा मेरा कोई लेन देन नहीं है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, इम्पॉसिबिलिटी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि अगर एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, इम्पॉसिबिलिटी के एग्जाम्पल के अंदर डेथ भी आ सकती है, वैसे इम्पॉसिबिलिटी में और भी कई सारी चीजें आ सकती हैं। इम्पॉसिबिलिटी का अगर एग्जाम्पल लेके मैं तुम्हारे से बात करूँ, तो मान लो ए ने बी को बोला था मेरे को 500 शर्ट्स चाहिए, बी ने बोला ठीक है कि मैं तेरे को सप्लाई कर दूंगा, मेरा मेरा माल इम्पोर्ट होके आता है शिप के थ्रू, जैसे ही शिप आएगा मैं तेरे को सप्लाई कर दूंगा। मान लो कि वह शिप रास्ते में डूब गया, तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, तो इसका मतलब इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट आता है बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि वही जो अभी 10 दिन वाला एग्जाम्पल है, टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन जहां लॉ ऑपरेट कर जाए, एग्जाम्पल डेथ, डेथ यहाँ पे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। एग्जाम्पल इंसॉल्वेंसी, कि कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, अब तो पैसा ही नहीं देगा, तो बात ही खत्म हो गई, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म। नेक्स्ट है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, जो मैंने तुम्हें समझाया था, तो ये वो सारे केसेस है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये इनके इंटरनल पॉइंट्स हैं, आप अपने आप पढ़ना, रिवीजन के अंदर मैं नहीं करा पाऊंगा, क्लास में तो मैंने बहुत डिटेल में कराया ही था। अब मैं तुम्हारे को समझाता हूँ, ये सारी चीजें मैंने करा ही रखी है क्लास के अंदर डिटेल में। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ना, ब्रीच के भी ना कई सारी कैटेगरी है, इसमें एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, रेमेडीज और ब्रीच। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ना एक टॉपिक है डैमेजेस। ये जो अच्छा देख, सपोज किसी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो आप उससे क्या लोगे, डैमेजेस लोगे, क्या लोगे, डैमेजेस। तो अब डैमेजेस जो होते हैं ना, उसका डैमेजेस का मेन एम क्या होता है, एक बार बताओ। मान लो ए और बी के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए और बी के बीच में आपस में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट, और ए बी को 1,00,000 रुपए सप्लाई करके गया था, 1,00,000 रुपए एडवांस दे के गया था कि भाई मेरे को तेरे से 200 जीन्स चाहिए, तो मेरे को सप्लाई कर दे, उसके लिए तेरे को 1,00,000 रुपए एडवांस दे के जा रहा हूँ। बी ने कहा था कि मैं विद इन 2 मंथ सप्लाई कर दूंगा, विद इन 2 मंथ सप्लाई कर दूंगा, और बी ने विद इन 2 मंथ सप्लाई नहीं करी, और कह रहा है जो करना है कर ले। इसका मतलब बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, यस। अब ए क्या करेगा, एक तो अपने 1,00,000 रुपए वापस मांगेगा जो उसने दिए हुए हैं, प्लस जो 1,00,000 रुपए बी उसका 2 महीने से यूज कर रहा था उसका इंटरेस्ट मांगेगा, प्लस अगर ए का उसकी वजह से कोई सेल का नुकसान हुआ है, सेल का नुकसान हुआ है, तो उसका कंपनसेशन भी मांगेगा, राइट। तो इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो ये क्या बनेंगे, डैमेजेस, क्या बनेंगे, डैमेजेस। तो डैमेजेस का मेन एम क्या होता है, डैमेजेस प्रोवाइड करने का मेन एम होता है कि एक बंदे को जो नुकसान हुआ है, अगर वो नुकसान ना होता, अगर आप टाइम पे सप्लाई करते तो जितना उसको प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन आपकी हरकत की वजह से नहीं हुआ, तो उसको एज इफ ऐसा ट्रीट करो डैमेजेस देके कि उसका कभी कोई नुकसान हुआ ही नहीं। तो डैमेजेस का मतलब होता है कि आप उसको उस लेवल पे लेके आ रहे हो एज इफ उसका कोई नुकसान कभी हुआ ही नहीं। उसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रीस्टोर बैक, रीस्टोर बैक। एक बंदे को उसी लेवल पर लेकर आना एज इफ उसका कोई नुकसान कभी हुआ ही नहीं, एज इफ उसका नुकसान कभी हुआ ही नहीं। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, रीस्टोर बैक, उसको उसी लेवल पे लेके आना। तो अगर मान लो ए, देखो जब बी ने ए को सप्लाई नहीं करी तो ए का नुकसान हो गया, किस चीज का नुकसान हुआ, एक तो 1,00,000 रुपए का, प्लस वो 1,00,000 को अगर वो इसको ना देता किसी और को, तो उसको यूज करता तो इंटरेस्ट मिलता, प्लस इसके अलावा जो वो सेल कर सकता था उस पैसे का, जो माल मिलता वो सेल का, जो प्रॉफिट मिलना था वो नुकसान हुआ। तो अगर बी उसको वो सारा पैसा दे देगा तो एज इफ इसका कोई नुकसान हुआ ही नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये उसको बी क्या दे रहा है, डैमेजेस। तो डैमेजेस का मेन एम क्या होता है, एक बंदे को उसी लेवल पे लेके आना एज इफ उसका कोई नुकसान हुआ ही नहीं, दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब आते हैं दो तरीके के डैमेजेस, एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। दो तरीके के डैमेजेस होते हैं, एक होते हैं डैमेजेस, दो तरीके के होते हैं, यहां लिखते हैं हम, एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, इसको हम प्रीफिक्स भी बोलते हैं, प्रीफिक्स डैमेजेस भी बोलते हैं। एक होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, देखो अगर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पहले से फिक्स होता है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पहले से क्या होता है,
फिक्स होता है, तो इसे हम बोलते हैं लिक्विडेटेड। मतलब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया कि कल को अगर हमारे बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम इतना कंपनसेशन देंगे एक दूसरे को, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड डैमेज। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, प्रीफिक्स, पहले से फिक्स कर लिए। अगर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पहले से फिक्स नहीं होता, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पहले से फिक्स नहीं होता और इट विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, इसे कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि कितना कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इट विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं दोनों की ना, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं नीचे। एग्जाम्पल देखना, मान लो ए बी, ए बी को ऑफर देता है कि भाई मेरे को 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स चाहिए, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एक्स, उसकी 100 यूनिट चाहिए। ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने ए को एक्सेप्टेंस दी कि भाई ठीक है मैं दे दूंगा, ठीक है मैं दे दूंगा। तो ये हो गए मिस्टर ए, ये हो गए मिस्टर बी। ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मेरे को 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स चाहिए, बी ने एक्सेप्टेंस दी कि ठीक है भाई मैं सप्लाई कर दूंगा। एक मिनट, बी ने क्या कहा कि मैं सप्लाई कर दूंगा। अब हुआ क्या, ए ने बी से पूछा कितने दिन में सप्लाई करेगा, विद इन वन मंथ में। बी कहता है मैं विद इन वन मंथ में सप्लाई कर दूंगा और ए ने उसके बदले उसको 1,00,000 रुपए दे दिए। अब बी, ए और बी ने आपस में फिक्स कर लिया। ए कहता है कि भाई देख, अगर तूने 1 महीने में सप्लाई कर दिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तू 1 महीने में सप्लाई नहीं करता तो तेरे चक्कर में मेरे को किसी और से माल लेना पड़ेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो बता, कल को अगर नुकसान हो गया तो मेरे को नुकसान कौन भरेगा? तो बी कहता है मैं भरूंगा, अगर मैंने डिले करी तो मैं भरूंगा, अगर कल को कोई नुकसान होता है तो मैं तेरे को तेरे 1,00,000 तो वापस करूंगा, प्लस 10,000 रुपए का तेरे को डैमेजेस दूंगा। 10,000 का क्या दूंगा, तेरे को डैमेजेस दूंगा अलग से, जो तेरा नुकसान हो उसके लिए कंपनसेशन दूंगा। तो इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से फिक्स कर लिया। ए ने कहा ठीक है डन, कि अगर कल को तूने 1,00,000 रुपए मेरे को सप्लाई नहीं, मतलब 1,00,000 का मेरे को माल सप्लाई नहीं करा 1 महीने में, तो मैं तेरे से 1,00,000 तो लूंगा, वो तो मेरे अपने ही है, प्लस 10,000 रुपए तेरे से डैमेजेस भी लूंगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं, ऐसे डैमेजेस को हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, क्योंकि ये पहले से फिक्स कर लिए गए कॉन्ट्रैक्ट करते के टाइम, कॉन्ट्रैक्ट करते के टाइम पहले से फिक्स कर लिए गए। ऐसे डैमेजेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस। और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रीफिक्स डैमेजेस, जो अभी मैंने बताया। अच्छा, अब आते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो पहले से फिक्स नहीं होते। मान लो ए और बी के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ कि हम एक दूसरे से मैरिज करेंगे और दोनों के माँ बाप भी एग्री थे, एग्रीमेंट होके क्या करेंगे, मैरिज करेंगे। अब क्या हुआ कि ये मान लो ये ए जो है ये बॉय है और ये जो बी है ये गर्ल है, तो ये लड़की वालों ने क्या करा कि शादी वाले दिन मंडप पंडाल शामियाना पंडाल है ना, टेंट वेंट कैटरिंग वैटरिंग का खर्चा कर दिया पूरा। मान लो लड़की वालों का 50,00,000 रुपए का खर्चा हुआ पूरा शादी वाले दिन, लेकिन शादी और लड़का लड़की एग्री थे पहले शादी करने को, एग्रीमेंट हुआ हुआ था। शादी वाले दिन लड़का भाग गया, शादी वाले दिन लड़का मंडप से भाग गया, तो इसका शादी वाले दिन जब लड़का मंडप से भाग गया, फरार हो गया, तो इसका मतलब इस लड़की ने और लड़का लड़की ने लड़के ने क्या करा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जो एग्रीमेंट हुआ था उसे तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब लड़की वाले क्या करेंगे, डैमेजेस मांगेंगे। अब वो कितने डैमेजेस मांगेंगे, देखो 50,00,000 जो उनका खर्चा हुआ उसके तो पैसे लेंगे लेंगे, प्लस जो लड़की की एरिया में गुडविल गई, लड़की के माँ बाप की एरिया में गुडविल गई, क्योंकि मोहल्ले वाले तो बोलेंगे ना ये देखो ये वही लड़की है जिसका लड़का मंडप से भाग गया था, तो वो गुडविल का कितना पैसा बनेगा वो कोर्ट डिटरमाइन करेगा। अब ऐसा नहीं, देखो ये केस टू केस वेरी करेगा। अब तुम सपोज अंबानी की लड़की छोड़ के भाग जाओ, तुम्हारा अंबानी की लड़की से रिश्ता हुआ, वैसे तो कोई छोड़ के नहीं भागेगा उसको, लेकिन मान लो कि अगर अंबानी की लड़की से तुम्हारा रिश्ता हुआ तुमसे छोड़ के भाग जाओ तो क्या होगा, तो उस केस के अंदर तो उसमें तो कंपनसेशन तुम्हारी दे देते, क्योंकि अंबानी की गुडविल नुकसान होगा उसमें, अंबानी की गुडविल का तुम वैल्यू लगा ही नहीं सकते,
सारी जिंदगी तुम कर्जे उतारते रह जाओगे। और मान लो अगर सपोज कोई बहुत लोअर मिडिल क्लास बंदा है, तुम उसकी बेटी छोड़ के भाग जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लग लगेगी। तो मतलब गुडविल की वैल्यू जो होती है वो परसेंट टू परसेंट वेरी करती है, वो कोर्ट डिटरमाइन करेगा। मगर ले देखिए वो जो डैमेजेस प्लस डैमेजेस का जो अमाउंट है वो एक्स अमाउंट मान लेते हैं एक्स, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है। वो कौन डिटरमाइन करेगा? कोर्ट डिटरमाइन करेगा, कोर्ट विल डिटरमाइन कि कितना कंपनसेशन देना है। तो ऐसे डैमेजेस को हम बोलते हैं अनलिक्विडेड डैमेजेस। अच्छा अनलिक्विड क्यों बोल रहे हैं? अच्छा कोई लड़की का बाप ऐसा होता है जो पहले से बोलता है कि बताओ अगर कल को तुम मंडप में नहीं आया तो मेरे को मेरी मेरी बेटी को और मेरे को कितना कंपनसेशन देगा? ऐसा कौन सा बाप है जो रिश्ता करते के टाइम बोलता है? नहीं ना। तो ऐसे डैमेजेस को हम क्या बोलते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो पहले से फिक्स नहीं होते, जिनको बाद में कोर्ट डिटरमाइन करता है, कोर्ट डिटरमाइन करता है। तो देखो वेयर द पार्टीज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एग्री इन एडवांस द अमाउंट पेएबल इन द इवेंट ऑफ ब्रीच, अगर पहले से फिक्स कर रखा है तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, इन्हीं को हम प्रीफिक्स भी बोलते हैं। और अनलिक्विडेटेड में वेयर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्लेम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लेफ्ट टू बी असेस्ड बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट डिटरमाइन करेगा द डैमेजेस क्लेम्ड आर कॉल्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक। अब अनलिक्विडेड के भी ना चार पार्ट होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस, एक होते हैं स्पेशल डैमेजेस, एक होता है विंडिक्टिव डैमेजेस जिसको एग्जम्पलरी भी बोलते हैं, एक होते हैं नॉमिनल डैमेजेस। ये भी ध्यान सुनना क्या चीज, फटाफट बता रहा हूं। देखो मैं कंपैरिजन समझा देता हूं तुम्हारे को यहां पे लिख के ना। ऑर्डिनरी में ऑर्डिनरी डैमेजेस वो होते हैं जो डायरेक्ट लॉस पहुंचाते हैं बिजनेस को, जो क्या पहुंचाते हैं? डायरेक्ट लॉस पहुंचाते हैं और उसकी वजह से आप डैमेजेस लेते हो। स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं जब आपको इनडायरेक्ट लॉस पहुंचता है तब आप डैमेजेस क्लेम करते हो इनडायरेक्ट लॉस की वजह से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पेशल डैमेजेस। व्हाट इज डायरेक्ट लॉस, व्हाट इज इनडायरेक्ट लॉस मैं समझाऊंगा। देखो अगर डायरेक्ट लॉस वो होता है जो अब आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है और आपको पहले से पता है कि ये नुकसान आपका हो चुका है तो वो हो गए ऑर्डिनरी डैमेजेस या होंगे, वो आपके बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं सेल को। स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं जो आपको नुकसान हो रहा है लेकिन आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा, लेकिन ये कभी कभार होते हैं स्पेशल सर्कमस्टांस में। अब एग्जांपल लेके बात करते हैं ऑर्डिनरी और स्पेशल का। मान लो ए है, मान लो ए की फैक्ट्री के अंदर, ये बहुत फेमस है, मैंने अपनी क्लास में समझाया भी था, ए के अंदर एक फैक्ट्री है, उसकी मशीनरी खराब हो गई, उसकी फैक्ट्री की मशीनरी खराब हो गई जिसकी वजह से, उसकी फैक्ट्री की वजह से। अच्छा एक चीज और, ऑर्डिनरी डैमेजेस तो आप हमेशा क्लेम कर सकते हो, स्पेशल डैमेजेस आप तभी क्लेम कर सकते हो अगर आपने सामने वाली पार्टी की नोटिस में ये बात डाली थी कि कल को अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो हम क्लेम लेंगे। तो स्पेशल नोटिस, स्पेशल डैमेजेस आप सिर्फ तब ले सकते हो, अभी एग्जांपल से ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, जब आपने सामने वाले की जानकारी में बात पहले से डाल रखी हो कि आप ऐसा कुछ लोगे पैसा। लेकिन ऑर्डिनरी आपको हमेशा लेने का अधिकार है। मान लो कि ए ने, ए की एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर ए की जो मशीनरी है वो हो गई ब्रेकडाउन। अच्छा ब्रेकडाउन होने की वजह से ए की जो हो गई मशीनरी बंद, मशीनरी बंद हो गई, स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से ए की सेल रुक गई, ए की क्या हो गई? सेल रुक गई, सेल भी स्टॉप हो गई क्योंकि मशीनरी ही नहीं है तो सेल कैसे, माल ही नहीं बन रहा तो बिकेगा कैसे। अब ये देखो, जो देखो देखो देखो, अब बड़े ध्यान से सुनना। मान लो ए को, पहले मैं तुम्हारे को ना ये तो स्पेशल डैमेज का एग्जांपल समझाने जा रहा था मैं, पहले स्पेशल से पहले तो मैं ऑर्डिनरी का एग्जांपल समझा देता हूं। पहले मैं ऑर्डिनरी का एग्जांपल देता हूं। मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर स्पेशल के बाद में समझाऊंगा, ये सिचुएशन को भी यहीं रुक दो, इग्नोर कर दो, फिर वापस समझाता हूं। मान लो पहले ऑर्डिनरी को लिंक कर दूंगा ना फिर स्पेशल समझा दूंगा। मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने उसको बोला कि भाई मेरे को 500 शर्ट्स चाहिए, तो बी ने कहा मैं सप्लाई कर दूंगा, एक शर्ट 1000 रुपए की है। तो हुआ क्या कि मान लो, थोड़ा इसका साफ जगह पे लिख देते हैं, फिर मैं वापस ऊपर स्पेशल डैमेज का एग्जांपल दूंगा। मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पांच सौ शर्ट्स के लिए, और बी ने बोला कि मैं एक शर्ट 1000 रुपए की दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपस में। और ए ने क्या करा कि उसको, जो बी है
उसके साथ 1000 रुपए के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 1/1/2021 को और बी ने बोला कि मैं विद इन 3 मंथ सप्लाई कर दूंगा, विद इन 3 मंथ सप्लाई कर दूंगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसकी ड्यू डेट क्या हो गई, 31 मार्च 2021, 1 जनवरी को हुआ, 31 माह 3 महीने सप्लाई करने, 31 मार्च तक वो सप्लाई कर देगा, बी ने बोला, सप्लाई की ड्यू डेट हो गई, ड्यू डेट सप्लाई कर देगा, किसने बोला, बी ने, 1000 रुपए के हिसाब से। मीन वाइल, अच्छा जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो प्राइस कितना चल रहा था शर्ट का, 1000 रुपए। मीन वाइल क्या हुआ, मीन वाइल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मीन वाइल क्या हुआ कि पीछे से रॉ मटेरियल हो गया महंगा, रॉ मटेरियल हो गया महंगा, जिसकी वजह से बी का वो जो 1000 रुपए का माल था ना, वो जो उसको, देखो बी को जो उसको 1000 रुपए की देनी थी वो शर्ट खुद की महंगी पड़ रही है। देखो ऑब्वियसली बात है, जब बी ने ए को 1000 रुपए की शर्ट बेच रहा होगा तो मान लो इसमें बी का मार्जिन होगा पहले से प्रॉफिट का। मान लो बी एक शर्ट पे 100 रुपए का मार्जिन रखता था, 100 रुपए का क्या रखता था, प्रॉफिट रखता था। इसका मतलब बी को एक्चुअल पड़ती थी वो 900 की और वो बेचता कितने की था, 1000 की। मान लो पीछे से रॉ मटेरियल महंगा हो गया, अब बी को वो शर्ट पड़ी 1000 रुपए की रही है, पड़ ही 1000 रुपए की रही है, और इसका मतलब और वो 100 रुपए का अगर प्रॉफिट रखता तो उसका मतलब उसको बेचनी कितने की चाहिए थी, 1100 की, लेकिन वो ऑलरेडी कितने पे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, 1000 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब पीछे से रॉ मटेरियल महंगा हो गया, अगर बी ए को 1000 रुपए के हिसाब से सप्लाई करेगा तो बी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बी जो है 100 रुपए का प्रॉफिट रखता था, उसको ओरिजिनल शर्ट जो पड़ती थी वो कितने की पड़ती थी, 900 की, और वो 100 रुपए का प्रॉफिट रख के 1000 की बेचता था, लेकिन पीछे से रॉ मटेरियल महंगा हो गया और बी को खुद को 1000 रुपए की पड़ रही है, तो अब वो उसको क्या लगा कि यार अगर अब बी को खुद को 1000 रुपए की पड़ रही है, अब वो रॉ मटेरियल जब इसके लिए महंगा हुआ तो सबके लिए महंगा हुआ मार्केट में। अब हुआ क्या कि बी के मन में एक आ गया लालच, बी को लगा कि यार अगर मैं इसको सप्लाई करूंगा ए को तो मेरे को 1000 रुपए की देनी पड़ेगी, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मैं किसी सी को सप्लाई कर देता हूँ 1100 रुपए के हिसाब से। अब जब ड्यू डेट हुई तो ए बी से शर्ट मांगने गया, तो बी कहता भाई मैं नहीं सप्लाई कर रहा, बी कहता मैं तेरे को शर्ट नहीं दे रहा, ए कहता भाई क्यों नहीं दे रहा, बी कहता भाई मैं तेरे को इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि शर्ट मार्केट में हो गई है महंगी और मैं तेरे को दे नहीं पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है कि भाई मेरा नुकसान हो गया, ऐसे तो अगर मैं तेरे को दूंगा तो मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब मेरे को बात बताओ सच्ची सच्ची लॉजिकली, क्या ए की कोई गलती है, नहीं, ए जिस टाइम पे पैसे दे के गया था और जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करके गया था उस टाइम पे तो रेट 1000 रुपए का ही था मार्केट में, वो तो बी की गलती है कि बी ने बोला मैं 3 महीने में सप्लाई करेगा, अब जितने रेट पे कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है वो उसी पे तो देगा। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट, तुम नॉर्मल देखो कम, तुम कभी किसी ज्वेलर पे चले जाओ, जब तुम किसी ज्वेलर पे जाते हो तुम उसको जाके बोलते हो कि मेरे को सोना चाहिए, तो उसने सोना मान लो उस दिन 50,000 रुपये तोला था, उसने बोला 5 दिन बाद आकर लेना, और मान लो 5 दिन बाद 55,000 रुपये तोला हो गया, तो क्या तुमसे वो 55,000 रुपये लेगा 5 दिन बाद, जब तुम या तुम 5 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, क्योंकि सप्लाई वो तुम्हारे को 5 दिन बाद दे रहा है सोने की, नहीं, वो तुमसे 50 ही लेगा, क्यों, क्योंकि तुमसे कॉन्ट्रैक्ट उसका 50,000 के हिसाब से ही हुआ था तो 50 ही लेगा। तो बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट जो देखा जाता है वो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस डेट से देखा जाता है, डेट ऑफ डिलीवरी से नहीं देखा जाता, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ उस डेट से देखा जाता है। तो अब एंटर कब हुआ, 1/1/2021 को, डिलीवरी कब होनी है, 31 मार्च 2021 को, तो वो 31 मार्च 2021 थोड़ी देखेगा, वो तो 1/1/2021 देखेगा, उसने तो 1000 के हिसाब से करा उसको 1000 के हिसाब से मिलनी चाहिए, लेकिन बी सप्लाई नहीं कर रहा, बी कह रहा है जी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ये बोल के ही कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, अगर मैंने तुम्हारे को दे दिया तो भाई मेरा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। अब तुम लॉजिकली बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हुआ है, डिफिकल्ट हुआ है, डिफिकल्ट हुआ है, इम्पॉसिबल थोड़ी हुआ है, डिफिकल्ट हुआ है कि हाँ भाई उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इम्पॉसिबल थोड़ी हुआ है। तो लॉ कहता है इसमें दो चीजें हैं, लॉ कहता है इसके अंदर ए की कोई गलती नहीं है, ए की कोई गलती नहीं है, देखो इस लॉ कहता है इसके अंदर बी के पास दो ऑप्शन है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे से नहीं लेगा, अगर वो किसी और से लेगा तो भी उसको 1100 की मिलेगी और तुम्हारे पास से भी 1100 की मिलेगी, तो या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये है कि जो तुम भाई उसको तुमने उसको 100 रुपए का नुकसान पहुंचाया, तुम्हारे चक्कर में उसको 100 रुपए महंगी पड़ रही है, तो तुम उसको पर शर्ट 100 रुपए का डैमेज दे दो। लॉ बोलता है या तो तुम उसे क्या दे दो, पर शर्ट 100 रुपए के क्या दे दो, डैमेज दे दो, एक ऑप्शन तो ये है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि तुमने उससे 1000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट करा था, 1000 रुपए उसको 1000 रुपए में उसको सप्लाई कर दो, उसको वो शर्ट 1000 रुपए में ही सप्लाई कर दो जितने कॉन्ट्रैक्ट करा है। ऐसे डैमेजेस को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी क्यों बोला, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस में प्राइस बढ़ता घटता रहता है, उसकी वजह से हुए हैं, और ये एक नॉर्मल आपके डायरेक्ट सेल को अफेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट किसको अफेक्ट कर रहे हैं, सेल को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे डैमेजेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी। ये ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में डायरेक्ट बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हैं और ये डायरेक्ट लॉस है आपको ऑर्डिनरी। तो इसमें लॉजिकली सच्चाई तो ये है, फायदा तो ये है कि भाई बी का समझदारी तो ये बनती है कि वो 1000 रुपए के हिसाब से सप्लाई कर दे, कि ठीक है कि भाई प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी तो नहीं होगा, ब्रेक इवन पे तो दे रहा है, लेकिन अगर उसको उसने 100 रुपए के हिसाब से उसको डैमेज पे करे और उसको शर्ट सप्लाई नहीं करी तो 100 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे, लेकिन अगर वही उसको शर्ट सप्लाई कर देगा 1000 रुपए के हिसाब से
तो देना कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1000 रुपए के हिसाब से शर्ट चली जाएगी, ना प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। ये बात समझ आती है? तो ये मैंने जो तुम्हारे को एग्जाम्पल समझाया, ये किसका समझाया मैंने, ऑर्डिनरी डैमेज का, जो ऑर्डिनरी बेस पे हुआ। अब मैं तुम्हारे को लेके चलता हूँ स्पेशल डैमेज पे, जो ऊपर था एग्जाम्पल। तो स्पेशल डैमेज में मैं वापस एग्जाम्पल लेके जा रहा हूँ, ये स्पेशल क्या थे जो मैंने। अच्छा, इसमें डायरेक्ट लॉस था, ऑर्डिनरी में देखा तो मैं डायरेक्ट बिजनेस की सेल को फैक्टर है, स्पेशल डैमेज में इनडायरेक्ट लॉस होता है। अब ये कैसे होता है जरा देखना। एक ही फैक्ट्री थी, एक ही फैक्ट्री की मशीनरी थी, उसको ब्रेक डाउन हो गई, वो टूट गई, जिसकी वजह से एक ही सेल का नुकसान हो गया। अब ए को पता था कि अब इस मशीनरी को रिपेयर करवाना है, बड़े ध्यान से सुनना। अब ए को लगा कि यार इस मशीनरी को रिपेयर करवाना है, तो ए ने ना कैलकुलेट करा, मान लो ए रहता है दिल्ली में और ए ने एक ट्रक वाले से कॉन्ट्रैक्ट करा, मान लो वो ट्रक वाला कौन है, इसको हम बोलते हैं कॉमन कैरियर, कैरियर मीन्स ट्रक, कॉमन कैरियर मीन ट्रक चलाने वाला। मान लो ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉमन कैरियर, बी कौन है, ट्रक वाला, उससे कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई तू मेरा ट्रक चलाएगा, है ना, और ट्रक जो तो है माल लेकर मेरी मशीनरी को ठीक करा के लेके आएगा। मान लो ए दिल्ली में रहता है और ए ने अपनी मशीनरी किसी मिस्टर एक्स के पास भेजी है मुंबई। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। मान लो ए दिल्ली में रहता है और ए ने अपनी मशीनरी किसी मिस्टर एक्स को भेजी मुंबई में रिपेयर करने के लिए। मान लो ए मान के चल रहा है कि मशीनरी को रिपेयर होने में एक दिन लगेगा, दिल्ली से मुंबई जाने में 4 दिन लगेंगे, तो 4 दिन दिल्ली से मुंबई जाने में लगेंगे ए मान के चल रहा है। मान लो 2 दिन रिपेयर होने में लगेंगे, तो 4 दिन जो है वो दिल्ली टू मुंबई हो गए, 2 दिन रिपेयर के हो गए, ए कैलकुलेट करके बैठा है, प्लस 4 दिन जो हैं वो वापस आने के हो गए। देखो 4 जाने के तो 4 वापस आने के भी होंगे, मुंबई टू दिल्ली। तो ए जो है ना वो मन में मान के बैठा है कि भाई मेरे को 10 दिन का सेल का नुकसान तो होगा, 10 डेज का सेल का नुकसान तो होगा ही होगा। ये डायरेक्ट लॉस है, क्योंकि जब मशीनरी काम नहीं करे डायरेक्ट बिजनेस को इंपैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट लॉस है, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नुकसान जो हो ही रहा है। तो 10 दिन का नुकसान तो वो मन में सोच के बैठा ही है जो उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन हुआ क्या कि वो ना देखो उसके पास एक मशीनरी है, ए के पास ही ए जानता है, ट्रक वाला थोड़ी जानता है। उसने ट्रक वाले को तो बात बताई नहीं कि उसकी पूरी सेल इस मशीनरी पे डिपेंड है और भाई टाइमली लेके जाइयो, टाइमली वापस लेके आइयो, उसने ये बात बी को बताई नहीं। ट्रक वाले ने क्या करा, उसको जाने में लगने थे 4 दिन, रास्ते में उसका घर पड़ गया, एक दिन वो रास्ते में अपने घर में सो गया और उसने 1 दिन डिले कर दी। तो बेसिकली जो चीज वो 4 दिन में पहुंचनी थी वो 4 की जगह कितने दिन में पहुंची, मुंबई में मशीनरी 5 दिन में, फिर 2 दिन रिपेयर के और 4 दिन वापस आने के, तो बेसिकली 11 दिन लग गए। लगने कितने थे 10 दिन, लग कितने का 11, एक दिन का जो लॉस हुआ सेल का। अच्छा अब जब 11वां दिन लगे तो 1 दिन की जो एक्स्ट्रा सेल का नुकसान हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ट्रक वाले की वजह से। ऐसे डैमेज को हम बोलते हैं स्पेशल। अच्छा ये जो नुकसान हुआ ये क्या ट्रक वाले ने जान के करा, नहीं, अच्छा क्या ये ऑर्डिनरी लॉस है या आपने पहले से सोच रखा था या इनडायरेक्ट लॉस हो गया, इनडायरेक्ट आपने सोच में सोचा भी नहीं था ऐसा और ये इनडायरेक्ट पड़ गया, किसकी वजह से, बी की वजह से, जो आपने सोच ना रखा हो और इनडायरेक्ट आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा। अच्छा ये इनडायरेक्ट क्यों पहुंचा रहा है, क्योंकि आपने डायरेक्टली नहीं सोचा था और डायरेक्टली आपकी सेल को नुकसान नहीं हो रहा था, इनडायरेक्ट डिले की वजह से नुकसान हुआ, तो ऐसे लॉस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लॉस। अब ये जो नुकसान हुआ ये बी की वजह से पहुंचा, तो क्या मिस्टर ए मिस्टर बी से 1 दिन का कंपनसेशन ले सकता है जो ए ने बी ने डिले करी है? लॉ कहता नहीं। लॉ कहता है ए बी सिर्फ तभी ले सकता है अगर ए ने बी के जानकारी में पहले से बात डाल रखी थी कि भाई अगर तूने डिले करी 10 दिन का तो मेरे को नुकसान होना ही है, मेरी पूरी सेल जो है मेरी इस मशीनरी पे डिपेंड है, अगर तूने एक्स्ट्रा डिले करी तो मेरी मशीनरी का नुकसान हो जाएगा। अगर उसने ऐसा बता रखा होता मेरी सेल का नुकसान हो जाएगा, अगर उसने ए ने बी को बता रखा होता ऐसा और उसके बाद भी बी जाके सो जाता और 1 दिन की डिले करता तो ए बी से कंपनसेशन ले सकता था, लेकिन वो यहां नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी की जानकारी में बात पहले से नहीं डाल रखी थी। और ये जो ए को लॉस हुआ ये क्या डायरेक्ट लॉस है? इनडायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट लॉस क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में नहीं हुआ, उसने सोच भी नहीं रखा था, ये मशीनरी खराब होने की वजह से नहीं हुआ, ये इसके सोने की वजह से हुआ। मशीनरी मेन सेल को चलाती है, उसकी खराब होने की वजह से नहीं, ये इसके सोने की वजह से 1 दिन की एक्स्ट्रा डिले हुई है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लॉस। तो ऐसा जो लॉस होता है इसके अंदर जब अगर ए बी से कंपनसेशन लेता तो वो स्पेशल डैमेज कहलाता, लेकिन वो नहीं ले सिर्फ कब पाएगा अगर उसने बी की जानकारी में पहले से बात डाल रखी होती। तो ले देखे ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज फर्क समझ आ गया। ऑर्डिनरी वो होते हैं जो आपने पहले से फिक्स कर रखे होते हैं, आपको पता होता है जब आपके बिजनेस को डायरेक्ट लॉस पहुंचा रहे होते हैं,
स्पेशल वो होते हैं जो डायरेक्ट लॉस नहीं पहुंचा रहे होते, इनडायरेक्ट लॉस पहुंचा रहे होते हैं, है ना। और ये आप सिर्फ तभी ले सकते हो अगर अपने सामने वाले की जानकारी में बात डाली है। फिर नेक्स्ट आता है एग्जाम्पलरी विंडिक्टिव डैमेजेस। एग्जाम्पलरी विंडिक्टिव डैमेज मीन्स, एग्जाम्पलरी मीन्स एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दो कि जिंदगी में दोबारा कोई बंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। और ये बहुत हैवी अमाउंट के कंपनसेशन होते हैं और ये दो ही केस में मिलते हैं। एक होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरे, जो मैंने अभी तुम्हें शादी वाला एग्जाम्पल दिया था कि लड़का मंडप से भाग गया, तो वो कितना कंपनसेशन मिलेगा उसमें, ऑब्वियसली पता, लड़की की गुडविल गई, सब कुछ गया, तो कोर्ट बहुत हैवी कंपनसेशन देता है। दूसरा डिसऑनर ऑफ कस्टमर चेक बाय द बैंक विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। देखो एक होता है डिसऑनर मीन्स चेक बाउंस होना। एक तो चेक बाउंस होता है कि सपोज आपने किसी को चेक काट के दिया, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो चेक क्लियर ही नहीं होगा। एक होता है कि आपके अकाउंट में सब कुछ पैसा वैसा था, पूरा चेक ओके था, लेकिन स्टिल बैंक की गलती की वजह से चेक बाउंस हो गया। तो बैंक की गलती की वजह से चेक बाउंस हो गया, उसकी वजह से आपकी तो गुडविल गिर जाएगी, सामने वाला तो ये सोचेगा बंदा कंगला है, इसके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे केस में आप बैंक से कंपनसेशन ले सकते हो, उसे हम बोलते हैं क्या, एग्जाम्पलरी डैमेजेस। लास्ट आते हैं नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं, ये वो डैमेज होते हैं जो बेसिकली नाम मात्र होते हैं। जैसे तुमने किसी को पेंसिल दी क्लास में यूज करने के लिए, उससे पेंसिल खो गई आपकी, तो अब ऐसे 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 डैमेजेस जो आप मांगते ही नहीं हो कभी भी, ऐसे डैमेज को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डैमेजेस। ये बाकी चीजें सिंपल हैं, अपने आप कर लेना। लास्ट एक टॉपिक आता है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जरा समझना जरा ध्यान से, ये पेपर में आया वो क्वेश्चन एक बार। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वासी का मतलब होता है which seems to be but actually not so, which seems to be but actually not so, जो दिखता है लेकिन होता नहीं, दिखता है लेकिन होता नहीं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिख रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा तुम लोगों ने मेरे से पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, दो चीजें चाहिए होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, क्या, एक आपको चाहिए होता है एग्रीमेंट, दूसरा enforceability। enforceability agreement क्या होता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, offer plus acceptance, और enforceability के लिए छह conditions पढ़ाई थी, याद है ना, competent party, free consent, lawful object, lawful consideration not declared to be void and legal relations। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होते, देखो अगर दोनों चीजें पूरी हो जाए फिर तो वो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिख थोड़ी रहा, फिर तो वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिख रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं। इसमें या तो एग्रीमेंट होता है, एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती, या एनफोर्सेबिलिटी होती है, एग्रीमेंट नहीं होता। मतलब बेसिकली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो बिना एग्रीमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। सर ऐसा कैसे होता है, होता है अभी दिखाऊंगा। और या एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है कि ऐसे भी होते हैं कि जहां पे एग्रीमेंट नहीं होता है एनफोर्सेबिलिटी हो जाती है, ऐसा भी होता है। और कई ऐसे होते हैं जहां पे एग्रीमेंट होता है एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती, कई ऐसे होते हैं जहां पे एनफोर्सेबिलिटी होती है एग्रीमेंट नहीं होता। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हें एग्जाम्पल लेके बात करता हूं। तुम लोगों ने मेरे से एक चीज पढ़ी थी कि माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एबनिशियो होते हैं। तो माइनर के साथ तुमने मेरे से पढ़ा था कि माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट हमेशा क्या होते हैं, वॉइड, स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, ऑलवेज वॉइड। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन पड़ी थी, क्या, नेसेसिटी। नेसेसिटी के केस में माइनर लायबल है, नेसेसिटी के केस में माइनर लायबल होता है, उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर हो सकता है, पढ़ा था ना। तो इसका मतलब ये जब माइनर है, माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट तो वॉइड एबनिशियो होते हैं, लेकिन स्टिल नेसेसिटी के केस में रिकवर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, जहां पे एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट तो वॉइड है लेकिन स्टिल हम उसे एनफोर्स करवा रहे हैं, एनफोर्स मीन्स रिकवर करवा रहे हैं, पैसा रिकवर करवा रहे हैं। तो इसका मतलब माइनर के एक एग्रीमेंट भी क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिख रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नेसेसिटी केस में उससे रिकवर हो सकता है। एक और एग्जांपल लेके बात करूं, तो मान लो ए ने बी को, मान लो ए ने पिज्जा हट में पिज्जा ऑर्डर करा, ए ने पिज्जा हट में क्या करा, पिज्जा ऑर्डर करा, ए ने पिज्जा हट में पिज्जा ऑर्डर करा, अब करा ए ने था, अब ए के ना बराबर वाले मकान में ना ए वन रहता है, अब दोनों सेम सा नाम है दोनों का पिज्जा, अच्छा ऑर्डर इसने दिया, पेमेंट इसने दी, गलती से पिज्जा वाला पिज्जा यहां सप्लाई कर गया, पिज्जा
यहां सप्लाई कर गया। अच्छा बी ए वन ने पिज्जा रिसीव भी कर लिया और पिज्जा खा भी गया, पिज्जा खा भी गया, इसका मतलब एग्रीमेंट हुआ था किसी और के बीच में, एनफोर्स किसी और ने कर दिया, खा कोई और गया। अब क्या होगा ऐसे केस में, लॉ कहता है दो ही चीजें होंगी, या तो ये वाला बंदा नया पिज्जा ऑर्डर करके इसको मंगवा दे अपने पैसों से, या ये बंदा इसको पैसे वापस करे क्योंकि उसने उसका खाया है। इसका मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मेन एम ये होता है कि आप किसी और के पैसे पे खुद रिच नहीं हो सकते, खुद रिच नहीं हो सकते, जिसका पैसा उसको वापस करो। ए वन ने उसके पैसे की चीज करी, उसको वापस करना पड़ेगा, और उसको वापस करो उसको दो। अच्छा अगर तुम सपोज तो खुद खुद देखो, अब एग्रीमेंट ए और पिज्जा के बीच में, लेकिन एनफोर्स किसने करा दिया, ए वन ने, खा कौन गया, ये इसे भी हम क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो देख लो, एन एग्रीमेंट फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी बेसिक ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वेरी बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इन सर्टेन केसेस द लॉ प्रिज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इवन दो नो एग्रीमेंट वॉज मेड बाय द पार्टीज। लेकिन कुछ केसेस के अंदर कह रहा है लॉ कॉन्ट्रैक्ट को मान के चलता है भले ही एग्रीमेंट ना हुआ हो। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ एंड देयरफॉर टर्म्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट भी लॉ नहीं बनाए हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन फैक्ट, ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट आर एनफोर्सेबल एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन जस्टिस, न्याय। ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सामने वाले को न्याय दिलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, मान लिए जाते हैं। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। आ गई ये वाला एग्जांपल, ये पिज्जा वाला एग्जांपल है। माइनर वाला देख लो, माइनर को सामने वाले ने तरस खा के नेसेसिटी दे दी और तुम अब उसका पैसा वापस नहीं कर रहे, तो लॉ कहता है ऐसा नहीं कर सकते, माइनर को चीज वापस करनी पड़ेगी नेसेसिटी के केस में, अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी तो इसमें से रिकवर कर लिया जाएगा। तो इसमें देखो टाइप्स के अंदर पहला क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड, अगर आप किसी भी बंदे को, अच्छा और ऐसा नहीं खाली माइनर को, आप किसी भी ऐसे बंदे को जो इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा वो तीन लोग आते हैं इसमें, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। मैंने इसलिए फोकस करा क्योंकि जब बहुत सारे लोग ना ऐसे समझते हैं कि खाली माइनर ही नेसेसिटी के केस में लायबल है, नहीं, कोई भी ऐसा बंदा जो इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, अगर आप उनमें से किसी को भी सप्लाई करते हो जो इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, आप नेसेसिटी के केस में उनसे रिकवर कर सकते हो। ये कुछ केसेस हैं, ये आप अपने आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ये जो ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट वाला, ये वही वाला केस है जो मैंने तुम्हारे को भी समझाया था। कौन सा वाला, पिज्जा वाला, ये एग्जांपल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर ऑफ गुड्स वाला मैंने अपने बच्चों को क्लास में कराया था, बहुत ध्यान से सुनना, इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। बस मेरे पास टाइम की थोड़ी सी दिक्कत थी और बस ये हो गया लास्ट, बाकी तो नीचे वाला टॉपिक तो सिंपल। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपकी पूरी चैप्टर की रिविजन खत्म हो गई कॉन्ट्रैक्ट की। इसी तरीके से वीडियोज को प्यार देते रहे, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।